आज वडोदरा शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं कि जालोर कांड जातिवाद के खिलाफ जन आक्रोश महारैली। इस रैली का उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यह रैली जो निकाली जा रही है वो किस लिए निकाली जा रही है। आज राजस्थान जो है वहाँ पे जालोर जिला है, जालोर जिला में वहाँ पे सरस्वती विद्यालय है, वहाँ पे एक राक्षस का जन्म हुआ था बहुत सालों के पहले, उसका नाम छेलसी है, वो टीचर है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है। आज शेड्यूल कास्ट का लड़का, 8 साल का लड़का, इसको क्या मालूम था वो इंद्र को कि मटके में से पानी पीने से मेरी हत्या हो जाएगी। वो इतना नराधम शिक्षक, उसने इतना पीटा, पीटने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल घूमे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आज उसकी जन आक्रोश रैली बड़ौदा से मूल निवासी भाइयों ने निकाली है। आज ये रैली खाली एक ट्रेलर है, जब उसको न्याय, जो गवर्नमेंट उसको फांसी नहीं देगी तो हम लोग पूरे इंडिया से, पूरे भारत से हम रोड पे उतर जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये इतनी नफरत इन लोगों के अंदर आती है और नफरत के बाद हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई कांड होता रहता है और कांड होने के बाद कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जब रिहा किया जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगा कि जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से सिखाया जाता है, जहाँ से जब जन्म बालक का होता है तब तो उसके माँ बाप से लेकर परिवार वाले लोग बोलते हैं कि बेटा ये तू एक ज्ञाति का है, तू एक ज्ञाति है। तो जो शास्त्र है, जो उत्पत्ति करता है, हमारे भारतवर्ष को, पूरा भारतवर्ष को बिगाड़ता है। और ये जो तंत्र है, जिसकी सत्ता होती है वो हाथ में पूरा पावर ले लेते हैं। वो जो सत्ता वाले लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ सत्ता है, हिटलर शाही आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, वो हिटलर शाही है, हिटलर शाही ये लोग करते हैं। और सत्ता वाले क्या करते हैं, जो धनिक होते हैं, पैसा वाले होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उसको जेल में से रिहा करके उसकी जो नफरत है और पिलाते हैं और बोलते हैं ये वो जेब में से पैसा दे देते हैं या पैसा वाला पैसा देते छूट जाते हैं। और जो निर्दोष आदमी होते हैं वो भारत देश में संविधान की तौर पर उसको कुछ भी न्याय नहीं मिलता है। तो ये पूरे तंत्र, पूरे भारतवर्ष के जितने भी अभी जो सत्ता पर है और नहीं सत्ता पर है, वो जो सब लोग उसके गुनाही लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो पावर मिलता है हिंदुस्तान में, मुजरिमों को, जालिमों को जो पावर मिलता है वो कहीं ना कहीं पीछे से पावर मिलता है, सरकार की तरफ से पावर मिलता है। अगर सरकार की तरफ से पावर ना मिलता होता तो जिन मुजरिमों को किसी बुनियाद पर रिहा जेल की जाती है, जिनको सज़ा दी जाती है, लेकिन उनको सज़ा देने के बाद जब उनको रिहा किया जाता है, काले चिट्ठे को उनका मिटा करके उनको जब रिहा कर दिया जाता है, उसके बाद उनमें उनके सम्मान में रैलियाँ इसी हिंदुस्तान में निकाली जाती हैं, उनका बढ़ावा, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। जब तक ये उनका मनोबल बढ़ाने का सिस्टम ख़त्म नहीं होता वहाँ तक ये आतंकवाद, मैं तो आतंकवाद कहूँगा, क्योंकि एक छोटे से मासूम बच्चे का क्या गुनाह था, इस मासूम बच्चे ने दुनिया के अंदर अभी क्या देखा है, उस मासूम बच्चे की जब जान ले ली जाती है तो इस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, इस मासूम बच्चे ने सिर्फ अपनी प्यास को बुझाने के लिए, जिस पानी के बारे में कहा जाता है कि दुश्मन भी अगर पानी मांगे तो मना नहीं कर सकते, लेकिन जब इसी मासूम बच्चे ने आपकी मटकी से हाथ लगाया तो इस मासूम बच्चे को अपनी जान देना पड़ी। ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि एक लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, जालिमों को और बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और जब जालिम किसी को मार देते हैं उसके बाद इसी के अंदर लोग बाहर आते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनकी रैलियां निकालते हैं और उनका इस्तकबाल किया जाता है, जैसा कि आप बिल्किस कांड के अंदर भी देख रहे हैं कि उनको एक इस्तकबाल किया जा रहा है। ये क्या है, जब तक ये हिंदुस्तान से जुल्म नहीं मिटेगा, जब तक ये आतंकवाद नहीं मिटेगा, एक आतंकवाद ऐसा होता है कि विदेश की तरफ से किया जाता है लेकिन हमारे खुद के अंदर आतंकवादी पनप रहे हैं, इनको मिटाने की इस वक्त में ज़रूरत है। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि ये जो अभी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये आए दिन जुल्म हो रहा है बच्चों पर, छोटी माँ बहनों पर, हिंदुस्तान के अंदर में महिलाओं और दलितों की कोई सुरक्षा नहीं है, कायदा व्यवस्था जो है वो निकम्मी हो चुकी है, लोकशाही का हनन हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर में। ये संघी लोग बैठ चुके हैं जो जातिवाद को ही मानते हैं, केवल जातिवाद की भावना लेके बैठे वो लोग आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज दलितों को, पिछड़े हुए को, महिलाओं को अछूत समझ रहे हैं। ऐसी
मान्यता धराने वाले लोगों को हनन करने के लिए दलित आगेवान, दलित लोग फिर से आज़ादी की जंग के लिए जाहिर में आ गए हैं और आज के आते आने वाले दिनों के अंदर में इसका एकता का अभियान चलाएंगे। बलात्कारियों को ब्राह्मण होने की वजह से उनको रिहा किया जाता है। एक बच्चा मर गया उसके सामने, केंद्र सरकार कुछ देख नहीं रही है, केंद्र सरकार कुछ जहर नहीं कर रही, इसके अगेंस्ट में आज दलित आगेवानों ने बड़ौदा के अंदर समग्र अनुसूचित जाति ने आज भीम आर्मी और SHD समग्र मंडलों के अभियान से यहाँ पे ये रैली निकाली है और ये न्याय के लिए, दलित लोगों के न्याय के लिए ये रैली निकाली है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी माँ बहनें भी बड़े तादाद में एक हिस्सा लिया है, माँ बहनों ने, कि ये क्यों इंसाफ के लिए एक लड़ने का एक सिस्टम लेकर के निकली है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी दर्द है कि एक छोटा सा नन्ना मुन्ना एक बच्चे को जब खो दिया जाता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए इस बच्चे के मारने के बाद? इस बच्चे के मारने के बाद अभी हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन फांसी तो बहुत दूर की बात, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसकी हिम्मत को और बढ़ावा दिया जाता है मारने वालों को। वही तो, हम इसीलिए तो निकले हैं हम ये करने के। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जनाक्रोश, एक ऐसी रैली का आयोजन किया गया है कि सभी जाति के लोग इसमें मिल करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये इंसाफ चाहिए किस चीज़ का, कि ये जो जालिम है हिंदुस्तान के अंदर, जो जालिम पनप रहे हैं, जो छोटे बच्चों और बूढ़ी औरतों और बहनों पर अत्याचार करते हैं लेकिन उसके बाद उनको बैकग्राउंड से सपोर्ट मिलता है, इस सपोर्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस सपोर्ट को ज़रूरत है ख़त्म करने की। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। सर, ये जो अभी निकाला है आपने, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े तादाद में रैली निकाली है, क्या आपको उम्मीद है इससे कुछ इंसाफ मिलेगा? हमको इंसाफ मिलेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है वो सरकार, हमको ऐसा लगता है वो जातिवाद बढ़ाना चाहती है। जैसा जातिवाद बढ़ेगा, वो जो बात, वो जो उसकी संविधान निकालने की बात करते हैं, वो उसको संविधान निकालना है, संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। इसलिए जो पहले मनुवाद था वो मनुवाद वापस लाने की बात कर रहे हैं, संविधान निकालने की बात कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए आप कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जाति के नाम पर हमें पानी पीना है, जाति के नाम पर कौन से मंदिर में एंट्री करनी है और कौन से मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करनी है ये हमें सरकार सिखाएगी। ये सरकार सिखाएगी कि किस मंदिर में पूजा कर सकता है और किस मंदिर के अंदर पूजा नहीं कर सकता है, कौन मंदिर में दाखिल होगा कौन नहीं, ये सरकार के गुंडे सिखाएंगे। तो इन्हीं सरकार के गुंडों को ये बताने के लिए ये बहुत बड़ी रैली का एक आयोजन किया गया कि पूजा के अंदर कुछ नहीं बताया जाता, पूजा है कि हम अपने सम्मान से किसी भी मंदिर के अंदर जा सकते हैं, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे ये बनाए जाते हैं कि कोई भी शख्स अपने मन की भावनाओं को अपने ऊपर वाले के सामने रख सकता है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद के नाम पर आए दिन किसी न किसी मासूम की जान ले ली जाती है, किसी न किसी मासूम की हत्या कर दी जाती है, उसी हत्या को देखते हुए ये आज जन आक्रोश है। आज देख सकते हैं बड़ौदा शहर के अंदर कि किस तरह से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, हालांकि रैली निकालने पर भी आए दिन पाबंदियां आ जाती हैं, अपनी हक की बात बोलने के लिए भी पाबंदियां और लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आज जो रैली निकाली गई है शायद इस रैली का जो आवाज़ है वो संसद के कानों तक और जो सुप्रीम कोर्ट के कानों तक ज़रूर गूंजनी चाहिए। शरम करो। किसके हत्यारे को फांसी दो? जो इंद्र है उनको, जो शिक्षक था छेल से, उन्हें उस बच्चों को पाने के लिए उसको बहुत मारा और उसकी मृत्यु हो गई, इसके शिक्षक छेल सिंह को फांसी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है
कि इस हिंदुस्तान से ये जातिवाद का सिस्टम खत्म होगा। ये एक तरफ हम कोशिश करते हैं जातिवाद का सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन वहीं हिंदुस्तान के अंदर पीछे से बैकग्राउंड से उसको जो सपोर्ट मिलता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब तक मनुवादी लोग हैं वहां तक हमको ये आजादी नहीं मिलेगी और ये खत्म नहीं होगा। पहले मनुवाद खत्म होना होगा, बाद में सब जो होगा वो बाद में होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अभी भी पीछे बहुत लंबा काफिला है, बहुत लंबा काफिला। ये नारे आप देखिए कि ये आज़ादी झूठी है। क्यों ना झूठी है, क्यों ना बोलें कि एक तरफ आज़ादी का हमको एक लाल किले से एक बयान दिया जाता है कि आज हम आज़ादी का 75 यानी 75वां दिवस मना रहे हैं। 75 साल इस आज़ादी को मुकम्मल हो गए और इसी देश के अंदर फिर हमें हमारे बच्चों को पानी पीने के नाम पर, छोटा सा मटकी से हाथ लगाने के नाम पर बच्चे की जान गंवाना पड़ती है। पानी के बदले जान का सौदा, पानी के बदले जान का सौदा। क्यों कि ये जाति के नाम पर जातिवाद का बढ़ावा जो दिया गया है, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे वहाँ तक कुछ नहीं हो सकता। और आवाज़ उठानी है गुंडों के ख़िलाफ़, आवाज़ उठानी है जालिमों के खिलाफ, आवाज़ उठानी है ये जो जातिवाद के नाम पर आए दिन कत्ल करते हैं उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। ये देखिए, ये छोटा सा मासूम बच्चा, इस मासूम बच्चे का क्या गुनाह था? इस मासूम बच्चे का कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी पिया था। हत्याराने। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि जिसने इस बच्चे की हत्या की है, बच्चों की हत्या की है, तो इस शख्स से कोई ये जाके पूछेगा कि तेरी मटकी से हाथ लगाया तूने बच्चे की जान ले ली, क्या ट्रेन के अंदर सफर करता है तो इस ट्रेन में तुझे पता था कि इस पर बैठकर दलित गया है या मुस्लिम गया है, कौन गया है? इससे कोई सवाल करेगा? कोई नहीं करेगा। आज आप मकान बनाते हो घर में, किसने ईंट बनाई पूछता है कोई? कोई सब्जी कहाँ से आती कोई पूछता है? कोई थिएटर में जाता कोई पूछता है? कोई जो किसान जो किसान अनाज पकाते है वो कौन पकाता है? वो दलित का मकान, दलित का अनाज है या दूसरे का है? ये मनुवाद है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप ट्रेन के अंदर सफर करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं या जब खाना खाने बैठते हैं तो आपको पता नहीं कि ये जो अनाज खा रहे हैं ये किसके घर से आया है, दलित की खेती से आया है या किसने इसको बनाया था? ट्रेन के अंदर सफर किया तो सीट चेंज नहीं करता, लेकिन मटकी से हाथ लगाने पर एक बच्चे की जान ले ली जाती है। बहुत, ये कैसी आज़ादी है? हम कैसी आज़ादी मनाएं? ये कौन सी आज़ादी है? एक तरफ जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरफ गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वालों को आज़ादी के शुभ अवसर पर उनको रिहा किया जा रहा है, जबकि उनको सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उनको अंदर डालने की बजाय उनको आज़ादी दी जा रही है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। और एक तरफ हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं औरतों के समर्थन में हूँ, मैं गर्ल्स के समर्थन में हूँ। ये कैसा समर्थन है आपका? समझ में नहीं आता, ये दोहरा सिस्टम कहाँ से लाए हैं? ये दोहरा सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, एक तरफ आप बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ आप उनको कत्ल करने वाले, उन पर बलात्कार करने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्या है? ये कौन है? ये लोग जो आज़ादी चाहते हैं, किस चीज़ की आज़ादी है? जातिवाद से आजादी लेके रहेंगे, आजादी जातिवाद से आजादी, छुआछूत से आजादी, समंजसाही से आजादी, समंजसाही से आजादी, जातिवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी।